मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में स्थापित कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई का टोटा शुरू हो गया है। इसको लेकर कोविड अस्पताल नेरचौक में उपचाराधीन मरीज के तामीरदारों द्वारा प्रबंधन पर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। मामले में बिलासपुर जिले के घुमारवी क्षेत्र की 58 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज महिला के तामीरदार राजेश कुमार ने कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रबंधन पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वे अपने मरीज को लेकर मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार के लिए आए थे। इसी दौरान कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण मौके पर मौजूद डॉक्टरों को भी समस्या आ रही थी। इस कारण डॉक्टरों को भी ऑक्सीजन का लेवल कम करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि इससे उनके मरीज का भी ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण तबीयत खराब हो गई। पेशेंट की कंप्लेंट जो है इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन कैरिंग बेड्स हैं वो 120 हैं, जिनमें हमारे पास पैनल लगे हुए हैं, और उसके साथ अगर हम 40 बेड और जोड़ देते हैं जिनको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 160 बेड होते हैं टोटल। और हमारे पास आज की डेट में अगर हम कोविड और सारी वार्ड के पेशेंट लाते हैं तो हमारे पास 210 के लगभग पेशेंट है, जो हमारे पास ज़्यादा है। अब जो हमारे पास मैनिफोल्ड प्लांट लगा हुआ है, जिस टाइम ये कंपनी ने लगाया था तो उस टाइम उन्होंने ये 120 बेड के लिए लगाया था कि उन्होंने सोचा था उस टाइम ऐसी नौबत आने की किसी ने नहीं सोची थी कि कोविड भी आएगा, तो उन्होंने ये कैपेसिटी थी इसकी 5 से 10 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से अगर ऑक्सीजन जाती है तो 160 बेड के लिए टोटल ऑक्सीजन चली जानी थी इसमें। आज की डेट में क्या हो रहा है कि क्योंकि वेंटिलेटर हमने जो पेशेंट है वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो 60 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से है, और हमारे पास 30 ICU बेड हैं ऊपर जो सारे वेंटिलेटर पेशेंट जो हैं उस पर डाले हुए हमने, जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है 40 से लेकर 60 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से है। जब इतनी ऑक्सीजन कैरिंग उस पैनल में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, वो 1500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कैरी करता है। आज की डेट में हमारे पास जो कैलकुलेशन बनती है वो 3000 से लेकर 4000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है ऊपर, इसलिए हमारी थोड़ी सी पेशेंट को ऑक्सीजन की कई बार कमी पड़ जाती है, क्योंकि प्रेशर उतना ही है रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और प्रेशर उतना ही होगा तो ऑक्सीजन उतनी ही आएगी, तो वहाँ कई बार कम हो जाता है। मैं राजेश कुमार अपनी सासू माता को यहाँ जो मंडे से दाखिल है, आज सुबह एक प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पे, जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई थी वो 40 से 17-18 हो गई थी, इसलिए डॉक्टरों को भी भारी दिक्कत आ रही थी। तो एक डॉक्टर आए, अब पता नहीं कौन थे वो, उन्होंने क्या किया कि वो ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ कि माता जी का वो जो ऑक्सीजन लेवल था वो बहुत नीचे आ गए, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, वो मतलब डेड ही हो गए थे एक प्रकार के। फिर दो लड़के फरिश्तों की तरह आए, हम नहीं जानते उनको, एक ने माता जी को दबाया, एक ने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया। जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला सबको सप्लाई देनी है जी, हमारी समस्या है। तो इस समस्या के चक्कर में हमारी जो तो बड़ी बड़ी क्षति हो जानी थी। फिर मैंने 1100 नंबर पर कंप्लेंट की, 1100 नंबर से तुरंत एक्शन लिया गया और जो 17 का लेवल था वो 25-26-27 तक पहुँच गया। अभी 42 तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर फिर भी मैं अपने जो CM साहब हैं जिनके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।